चलो शुरू करो। चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति पीछे बैठे बाल पकड़ो उसके बाद दे दो। जल्दी लिखो पाठ का नाम। निर्देशांक ज्यामिति इंग्लिश देख के लिख लेना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बात ना करो, ध्यान दो इधर। अब इसमें सबसे पहले हमको समकोणिक निर्देशांक से ही शुरू करना है, पहले इसको कक्षा 9 में पढ़े फिर से हमको यहाँ पे पढ़ना है। तो इसमें सबसे पहली हेडिंग शुरू होगी समकोणिक निर्देशांक। हो गया? तो समकोणिक निर्देशांक क्या होगा? किसी समतल को चार भागों में बांटने वाले, किसी समतल को चार भागों में बांटने वाली कह दें, किसी समतल को चार भागों में बांटने वाली लंबवत रेखाएं समकोणिक निर्देशांक कहलाती हैं। नाम से ही स्पष्ट है समकोणिक। समकोणिक मतलब जानते हो 90 अंश का, ठीक है? और 90 अंश के कोण को हम लंबवत कहते हैं, कहते हैं। अब देखो जब हम यहाँ से ऐसे खींचेंगे इसको तो ये समतल हमारा है ये चार भाग में बट जा रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो समतल को चार भागों में बांटने वाले लंबवत रेखाएं क्या कहलाती हैं? समकोणिक निर्देशांक कहलाती हैं। या हम कह दें किसी समतल पर किसी क्षैतिज रेखा के लंबवत खींची गई रेखा, हो गया, मिलकर क्या बनाती है? समकोणिक निर्देशांक बनाती है, ठीक। इसमें जो क्षैतिज रेखा होती है इसको यक्ष अक्ष कहते हैं, और जो लंबवत या ऊर्ध्वाधर रेखा होती है उसे क्या कहते हैं? वाई अक्ष कहते हैं। तो पहले हेडिंग लिखो समकोणिक निर्देशांक। अब लिखेंगे परिभाषा, लिखो इसकी। किसी समतल पर खींची गई दो परस्पर लंबवत रेखाएं, दो परस्पर लंबवत रेखाएं जो एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं, परस्पर लंबवत रेखाएं जो एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं, हो गया, क्या कहलाती हैं? समकोणिक निर्देशांक कहलाती हैं। समकोणिक निर्देशांक कहलाती हैं। हो गया? अब देखो यही है हमारा समकोणिक निर्देशांक। अध्ययन हमको इसी के बारे में पहले करना है। हो गया? यहाँ जहां पर काटती हैं उसे क्या कहते हैं? ओ। यही हमारा होता है क्या? मूल बिंदु, जिसका निर्देशांक होता है
जीरो कॉमा जीरो। अब यहाँ पे आश्चर्य नहीं होना चाहिए क्योंकि जीरो कॉमा जीरो क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे सभी दूरियों की शुरुआत यहीं से होती है, चाहे तुम्हें x अक्ष पे जाना हो चाहे y अक्ष पे, दूरियों की शुरुआत हमेशा कहाँ से होगी, मूल बिंदु से होगी, अर्थात हमें हमेशा शून्य पर खड़ा रहना है। ठीक है, मनुष्य के जीवन की भी शुरुआत शून्य से ही होती है, समझ गए, ध्यान में रखे रहना। चलो तो अभी छापना नहीं है, इतना लिख लिए ना। अब हम लोग इसमें देखते हैं, अभी तो बस हमने यही बता दिया कि दो परस्पर लंबवत जो रेखाएं खींची गई इनको समकोणिक निर्देशाक्ष कहते हैं। ठीक, इसमें एक को हम यक्ष अक्ष कहते हैं, इसको यक्ष अक्ष कहते हैं जो क्षैतिज है, क्षैतिज माने इस तरह से सीधी, और दूसरी जो ऊर्ध्वाधर है उसे वाई अक्ष कहते हैं। ऊर्ध्वाधर मतलब नीचे से ऊपर हो जाएगा, तो अक्ष हमेशा कैसे खींचा जाएगा, एक क्षैतिज रेखा और एक ऊर्ध्वाधर रेखा, जो क्षैतिज रेखा होगी यक्ष अक्ष होगी और जो ऊर्ध्वाधर रेखा होगी वो वाई अक्ष होगी, हो गया। और क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा जहाँ पे काटेंगे वो कौन सा बिंदु होगा, मूल बिंदु होगा। तो अब इनको हम लिखते हैं तब चित्र एक के साथ छापते हैं। इसमें लिखो पहले इंडिकेट पॉइंट, ये तो हो गया ना, निर्देशाक्ष कहते हैं, तो लिखो निर्देश, ये समकोणिक निर्देशाक्ष में, समकोणिक निर्देशाक्ष में, समकोणिक निर्देशाक्ष में खींची गई क्षैतिज रेखा, समकोणिक निर्देशाक्ष में खींची गई क्षैतिज रेखा, खींची गई क्षैतिज रेखा, खींची गई क्षैतिज रेखा, हो गया, को एक्स अक्ष कहते हैं, एक्स अक्ष कहते हैं, एक्स अक्ष कहते हैं, हो गया ना। इसका प्रदर्शन, इसका प्रदर्शन, इसका प्रदर्शन तुम देख रहे होगे, इधर पहले हमने एक्स डैश लिखा, फिर बीच में कौन आया वो, फिर कौन आया एक्स, तो इसका प्रदर्शन इस तरह से लिख सकते हो एक्स डैश ओ एक्स, चाहे ओ छोड़ भी दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, या बोल सकते हो एक्स एक्स डैश मतलब एक्स और एक्स डैश, बीच वाला वो छोड़ दो कोई मतलब नहीं है, लिख सकते हो। तो इसको इधर से क्रम बना दिए और उधर से लिख दो एक्स ओ एक्स डैश, लिख दो कोई प्रॉब्लम नहीं है। भुजा का प्रदर्शन करना है ए बी लिखो चाहे बी ए लिखो, कोई मतलब है, रेखा तो दोनों तरफ चलती है ना, ऐसा तो होता नहीं है किरण है कि एक अंत्य बिंदु होता है तो वो हमको वहीं से करना है। ठीक है, रेखा जो होती है दोनों तरफ चलती है, तो क्या लिखे इसमें, इसका प्रदर्शन x डैश ओ एक्स या एक्स एक्स डैश, एक्स डैश ओ एक्स या एक्स एक्स डैश से होता है या करते हैं, करते हैं, हो गया ना। उसके बाद लिखो दूसरा इंडिकेट, दूसरा इंडिकेट यक्ष अक्ष पर लंबवत खींची गई ऊर्ध्वाधर रेखा को, अब यक्ष अक्ष जान चुके हो ना, तो दूसरे अक्ष का प्रदर्शन हम इसी के परिपेक्ष में कर दे रहे हैं। यक्ष अक्ष पर खींची गई ऊर्ध्वाधर रेखा को, यक्ष अक्ष पर खींची गई है, ठीक है लिखो, यक्ष अक्ष पर खींची गई ऊर्ध्वाधर रेखा को, हो गया ना, उससे पहले लंबवत ऊर्ध्वाधर रेखा बोले थे ना, जो लिखे हो काटना मत, यक्ष अक्ष पर खींची गई ऊर्ध्वाधर रेखा को, हो गया ना, वाई अक्ष कहते हैं, काटना मत लंबवत लिख दियो, बढ़िया की, ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहते हैं, वाई अक्ष कहते हैं, हो गया ना, जो लंबवत लिखे हो रुक जाओ, जो नहीं लिखे हो आगे लिख लो, यह यक्ष अक्ष से 90 अंश के कोण पर होती है, यह एक्स अक्ष से 90 अंश के कोण पर होती है, यह
एक्स अक्ष से 90 अंश के कोण पर होती है, हो गया ना। तो अब यहाँ पे जो एंगल बनता है वो कितनी डिग्री का होता है, 90 डिग्री, याद रखते रहना, हो गया ना। 90 से कम या 90 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं ये जरूरी नहीं चारों एक बराबर, जैसी दूरी हमको लेनी होगी उस हिसाब से हम बना लेते हैं अपना निर्देशांक। कभी कभी तो निर्देशांकों को केवल ऐसे ही बना देते हैं, दिखाई दे रहा है, जब हमको केवल दोनों तरफ से प्लस प्लस दिखा की जरूरत होती है ना, तो ऐसे ही बना लेते हैं। आगे की कक्षाओं में तुम ऐसे ही ग्राफ पढ़ोगे, ठीक। ये निर्देशांक ही है, बस हमने इसका माइनस हिस्सा और माइनस हिस्सा छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया, क्योंकि उसकी हमको जरूरत नहीं थी। तो यहाँ तो हम निर्देशांक ज्यामिति पढ़ रहे हैं, कहीं भी किसी की जरूरत पड़ सकती है। पता चला चतुर्भुज जब बना तो उसका एक बिंदु यहाँ रहेगा, एक यहाँ रहेगा, एक यहाँ रहेगा, एक यहाँ रहेगा, तो चारों की जरूरत पड़ेगी। त्रिभुज बना एक तो यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, तो पता चला ऐसे रेखा खींचोगे दूसरा तीसरा चौथा सब में से होके जा रहा है, जा रहा है ना। तो यहाँ पे तुमको दोनों तरफ बनाना पड़ेगा, ठीक। आगे जब अभी हम फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ में जब ग्राफ बनाएंगे तब वहाँ पे ये वाला हिस्सा छोड़ देते हैं, पीछे वाला बस केवल इतना ही लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनकी ही जरूरत होती है हमें, समझ गए। हाँ भाई, तो अब देखो साइंस में तुम लोगों ने कुछ ग्राफ पढ़ा भी होगा 9 में, बस वो सब के लिए इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन यहाँ पे निर्देशांक ही हमको पढ़ना है ना। तो कौन सा निर्देशांक, कैसे पता चला कब किस चतुर्थांश में पहुंच जाए, पता चलेगा क्या, नहीं। इसलिए हमको हर बार पूरा बनाना होगा, प्लस थीटा भी और माइनस थीटा भी, ये याद रखे रहना। तो क्या लिखे जी, ये आगे लिखना, इसका प्रदर्शन, इसका प्रदर्शन, हाँ उसी में लिखवा गए, इसका प्रदर्शन वाई ओ वाई डैश, इसका प्रदर्शन वाई ओ वाई डैश, क्या लिखेंगे, वाई ओ वाई डैश या एक्स एक्स ओ डैश वाई वाई डैश वाई वाई डैश से करते हैं, से करते हैं। तो समकोणिक निर्देशांक के बारे में हम लोग बेसिक चीज समझ लिए। अब इसमें दूरियों का देखा जाए कि दूरियां कैसे लेते हैं, क्योंकि ये रेखाएं है ना, और रेखाएं दूरियों को प्रदर्शित करती हैं। कोई भी रेखा है तो उसकी लंबाई हम ज्ञात करते हैं ना, लंबाई का दूरी होता है, ध्यान दिए रहना। तो अब क्या होगा, हम यहाँ पे दूरियों को प्रदर्शित करेंगे कि दूरियां कैसे प्रदर्शित की जाए। पहले तो इसको लिख लो कि जो प्रतिच्छेद कर रहा है उसे हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं, क्योंकि इसी के परिपेक्ष में दूरियां प्रदर्शित होंगी। तो क्या लिखे इसमें, अगला इंडिकेट पॉइंट, अगला इंडिकेट पॉइंट हो गया, लिखो दोनों अक्ष जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, दोनों अक्ष जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, दोनों अक्ष जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, हो गया, उसे मूल बिंदु कहते हैं, उसे मूल बिंदु कहते हैं। इसका निर्देशांक, इसका निर्देशांक, इसका निर्देशांक हो गया 0.0 होता है, 0.0 होता है, हो गया ना, हो गया। तो ये हमारा देखो, यही देखो, यक्ष अक्ष था और ये वाई अक्ष था, दोनों ने एक दूसरे को जहां पर काटा उसे हमने क्या कहा, मूल बिंदु। इसका निर्देशांक क्या होता है, 0.0। अब इसी के सापेक्ष हम दूरियों को लेंगे, ठीक। तो लिखेंगे अब अगला इंडिकेट पॉइंट, यक्ष अक्ष पर, एक्स अक्ष पर, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, सब 9 में पढ़े हुए, बस एक बार रिवीजन चल रहा है इनका। एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर हो गया ना, मूल बिंदु के,
मूल बिंदु के। अब देखो ऐसे खड़े हो जाओ इसकी ओर, इधर साइड हमारा कौन सा हाथ दिखाइए, दायां हाथ, तो मूल बिंदु के दाईं ओर। इधर साइड कौन सा हाथ दिखा, बायां हाथ, तो मूल बिंदु के बाईं ओर। मतलब इसमें दायां बायां लेंगे और ये मूल बिंदु है ऊपर की ओर और नीचे की ओर, क्योंकि ऐसे ऊपर होता है ना और इधर नीचे, तो इसके लिए दायां बायां लिया जाएगा और इसके लिए ऊपर और नीचे लिया जाएगा। तो क्या लिखे अभी इसमें, हाँ यक्ष अक्ष पर मूल बिंदु के दाईं ओर, दाईं ओर, दाईं ओर हो गया। चली गई दूरियों को, चली गई दूरियों को धनात्मक चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, धनात्मक चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, हो गया ना। कोष्ठक में लिख देना, कोष्ठक में सामान्यतया, सामान्यतया दूरियों का क्रमिक अंतर 1 सेंटीमीटर होता है, सामान्यतया दूरियों का क्रमिक अंतर 1 सेंटीमीटर होता है, 1 सेंटीमीटर होता है, हो गया जी। अब ध्यान देना इधर, अभी हम लोग तीसरे चैप्टर में भी यही चर्चा किए थे जब ग्राफीय विधि से समीकरणों को हल कर रहे थे। हमने कहा जो दूरियों को दर्शाओ, एक एक सेंटीमीटर दूरी पर दर्शाओ, जिससे क्या होगा, जब रेखा खींचोगे तो सही तरीके से मिलेगी, जो कटान बिंदु होगा वहां पे बिंदु का प्रदर्शन सही होगा, ठीक। अब क्या करना है, पहले तो ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु के दाहिनी ओर खींच अक्ष पर, एक्स अक्ष पर चली गई दूरियों को धनात्मक चिन्ह से दर्शाना है। माने तो इधर एक एक सेंटीमीटर पर कुछ बिंदु लगा लो, लगा लिए ना, इसको लिखो प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, ऐसे आगे जितना जाना हो जा सकते हो। प्लस नहीं लगाते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि प्लस चिन्ह हम छोड़ भी सकते हैं, ठीक। तो केवल 1 2 3 4 5 6 भी लिख सकते हो, ये ध्यान दिए ना। किधर लिखा जाएगा, ये मूल बिंदु के दाईं ओर लिखा जाएगा, किस अक्ष पर, एक्स अक्ष पर। तो आगे बढ़ते हैं, दूसरा पॉइंट लिखते हैं, अभी तब एक ही साथ छाप लेना पूरा नीचे, पहले इनको लिख लो फिर एक ही साथ छाप लेना, हम इसमें लिखते चल रहे हैं और बताते चल रहे हैं। उसके बाद क्या लिखे, अगला इंडिकेट लिखो, एक्स अक्ष पर मूल बिंदु के बाईं ओर, एक्स अक्ष पर, नहीं नहीं अक्ष तो वही रहेगा, नाम वही रहता है, एक्स अक्ष पर मूल बिंदु के बाईं ओर, हाँ पूरा नाम यक्ष अक्ष ही होता है इसका, ठीक है, प्रदर्शन यक्ष यक्ष डैश होता है ना, क्या इसको यक्ष डैश अक्ष कर देंगे, इसमें 4 अक्ष बना दिए, याद तक पूरा हमको लगता है त्रिविमा पढ़ लिए तभी 3 ही अक्ष होती है, तुम 4 अक्ष इसमें बना दोगे, तीसरी अक्ष होती है इसके लंबवत ऐसे ऊपर, ठीक है, जिसका प्रदर्शन यहाँ पे नहीं हो सकता है, इसीलिए अभी हम लोग केवल समकोण वाला पढ़ रहे हैं, मतलब तल पे पढ़ रहे हैं। अभी जो जिसमें हम लोग निवास कर रहे हैं ये 3D है, 3D माने लंबाई चौड़ाई और मोटाई सब कुछ होगा, इसमें क्या क्या हो सकता है, खाली या तो लंबाई या तो चौड़ाई, कोई इसी मोटाई है क्या, इसी कुछ मोटाई है नहीं है, ध्यान दिए रहना, समतल पर जो निर्देशाक्ष खींचा जाता है की कोई मोटाई नहीं होती है, लेकिन त्रिविमा में जो निर्देशाक्ष खींचा जाता है उसमें मोटाई भी होती है, अर्थात उसके 3 अक्ष होते हैं, एक यक्ष अक्ष, एक वाई अक्ष और एक जेड अक्ष, ध्यान दिया ना, जो यक्ष अक्ष होता है लंबाई को दर्शाता है, वाई अक्ष चौड़ाई को और जेड अक्ष मोटाई को। इसीलिए हम एक जगह चर्चा भी किए होंगे कि समतलीय आकृतियों में मोटाई नहीं होती, समतलीय आकृतियों में मोटाई नहीं होती है, इसीलिए समतलीय आकृतियों का आयतन नहीं निकलता है। जब सबसे शुरू में तुम लोग को शुरू किए थे वहां पे हमने बताया कि जो समतलीय आकृतियां होती हैं उनका आयतन नहीं निकलता, कहे थे ना मैथ पढ़ाने के लिए, कहे थे सबसे पहले 13 नंबर चैप्टर का रिवीजन करवाया जाएगा, वहीं पे बताया था, ध्यान दिए रहना कि जो समतलीय आकृतियां होती हैं उनका आयतन नहीं निकलता है। क्यों नहीं निकलता है, क्योंकि उनकी कोई मोटाई नहीं होती, जिनकी मोटाई होगी तो वही स्थान घेरेंगे
और उन्हीं का क्या निकलता है, आयतन निकलता है, ये याद रखते रहना। इस पर कोई आकृति बना दे तो क्या उसमें बैठ नहीं सकते हैं, आराम से बैठ जाएंगे। अब इसको इतना मेज बना दिए तो जितना स्थान मेज ने घेर लिया क्या उतने स्थान में हम बैठ सकते हैं, नहीं बैठ सकते, याद रखते रहना। जितना स्थान मेज ने घेरा उतने स्थान पे हम नहीं बैठ सकते, बैठेंगे तो इसके ऊपर बैठेंगे, याद रखते रहना। अच्छा तुम लोग के लिए जगह हमारे लिए नहीं है, तुम्हारे लोग बाहर का है, बैठ जाओगे तुम लोग। ओके जी, अब क्या लिखे, एक्स अक्ष पर मूल बिंदु के बाईं ओर, एक्स अक्ष पर मूल बिंदु के बाईं ओर हो गया, चली गई दूरी, चली गई दूरी हो गया ऋणात्मक होती है, चली गई दूरी ऋणात्मक होती है, हो गया ना। अब देखो ये यक्ष अक्ष है, इधर की ओर चलना है, लगभग एक एक सेंटीमीटर पर कुछ बिंदु दर्शा लिए जाए और इनको ऋणात्मक चिन्ह से दर्शाओगे, माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, माइनस चार। अब इसका परिचय तुमको संख्या रेखा पर कक्षा आठ में ही हो चुका होगा, आठ में संख्या रेखा पढ़े रहे होगे, बीच में लिखते थे जीरो, आगे जाते थे प्लस में, पीछे जाते थे माइनस में, तो समझ लो वही संख्या रेखा ही है। ठीक, ऐसे ये भी एक संख्या रेखा है जिसमें ऊपर धनात्मक होता है और नीचे ऋणात्मक होता है, हो जाएगा। तो अगला नंबर लिखो, अब इसी प्रकार वाई अक्ष पर, वाई अक्ष कौन सा, ये ऊर्ध्वाधर वाला है ना, तो वाई अक्ष पर हो गया, वाई अक्ष पर मूल बिंदु के ऊपर चली गई दूरी वाई अक्ष पर मूल बिंदु के ऊपर चली गई दूरी हो गया ना, धनात्मक और नीचे चली गई दूरी ऋणात्मक लेते हैं, बार बार इतना बड़ा लिखवाने की जरूरत नहीं है, और नीचे चली गई दूरी क्या लेते हैं, ऋणात्मक लेते हैं, हो गया ना। देखो ऐसे ही एक एक सेंटीमीटर पर ऊपर पॉइंट लगा लो, ऊपर भी प्लस में लिखेंगे तीन चार पाँच छ, और नीचे आएंगे तो माइनस एक माइनस दो है, क्यों नहीं लिखा, पहले इंडिकेट में लिखा उसके पहले वाले में ही, सबसे पहले उसे शुरू किए हैं, पीछा फरक के देखो ना, खोपड़ियां फोड़ देंगे तुम्हारी अभी, हो गया जी। तो ये प्रकार से बन गया निर्देशाक्ष, हो गया ना। तो अब इसके बारे में और कुछ जानने वाला है, हाँ बना लो, लिखो समकोणिक निर्देशाक्ष समतल को चार भागों में बांटता है, इंडिकेट पॉइंट, समकोणिक निर्देशाक्ष समतल को चार भागों में बांटता है, समकोणिक निर्देशाक्ष समतल को चार भागों में बांटता है, हो गया, जिन्हें क्रमशः चतुर्थांश कहते हैं, हो गया, इनके नाम निम्न प्रकार होते हैं, हो गया, इनके नाम निम्न प्रकार होते हैं। अब देखो चारों नाम कैसे होगा, पहले हम चित्र में लिख देते हैं फिर समझाते हैं।
ये होता है पहला चतुर्थांश। चार भाग में बांटा ना, एक लिया इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, तो इधर से इधर आते ध्यान देना, नहीं तो नीचे उतर जाओ दूसरे के लिए, इतना तो जानते ही होगे। अभी वही कर रहे हैं द्वितीय चतुर्थांश और इसको तृतीय चतुर्थांश और ये चतुर्थ चतुर्थांश हो गया ना। तो अब तुम लोग नाम लिखो, पहला नाम लिखो प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश हो गया ना। अब देखो जब पहला नाम तुमने प्रथम चतुर्थांश लिखा तो प्रथम चतुर्थांश यही एरिया है ना, नाम पढ़ो इसका X O Y, तो कोष्ठक में लिख देना X O Y, अर्थात X O Y से मिलकर जो एरिया बना वो क्या होगा, प्रथम चतुर्थांश। दूसरा एरिया देखो X डैश O और Y, तो दूसरे में लिख देना X डैश O Y। तीसरे में देखो X डैश O Y डैश, X डैश O Y डैश। चौथा देखो X O Y डैश। अब तरीका अगर दिमाग चलाओ तो इसी नाम से तुम इनके चिन्ह पता कर लोगे, क्योंकि देखो X है तो धनात्मक, Y है तो धनात्मक, X डैश है तो ऋणात्मक, Y डैश है तो ऋणात्मक। अब पहले का नाम था X O Y न, तो X भी धनात्मक Y भी धनात्मक, O तो मूल बिंदु है, कोनो मतलब है यही, तो इसमें जो बिंदु होंगे उसका क्या होगा, प्लस और प्लस। इसका नाम हमने क्या बोला, X डैश O Y, क्योंकि शुरुआत यक तथ्य से ही करनी है, पहले यक तथ्य अर्थात भुज होता है ना, शुरुआत यक तथ्य से कर रहे हैं, नहीं तो पता चला इसका नाम Y O यक डैश लिख दो, वो नहीं लिखना है, X डैश O Y लिखना है। X डैश क्या है, ऋणात्मक, O का कोनो मतलब नहीं, Y क्या है, धनात्मक, तो इसका चिन्ह हो गया माइनस और प्लस। ये X डैश O Y डैश, X डैश कैसा चिन्ह वाला होता है, ऋणात्मक, Y डैश भी ऋणात्मक, तो माइनस और माइनस, यहाँ X O Y डैश, X कैसा है प्लस, Y डैश कैसा है ऋणात्मक, चिन्ह हो गया प्लस माइनस, हो गया ना। तो ये प्रकार से हम लोग आज समझ लिए पूरा निर्देशांक। अब इस निर्देशांक से कल हम पढ़ेंगे निर्देशांक, निर्देशांक माने तो बिंदु, बिंदु के बारे में पढ़ेंगे, उसका भुज, उसकी कोटि, उसका यहाँ पे प्रदर्शन कैसे होगा, क्योंकि अभी क्या बोलेगा कि चार बिंदु है, चारों को प्रदर्शित करके एक चतुर्भुज बनाओ, फिर उसका क्षेत्रफल निकालो, तो पहले उसका प्रदर्शन हमें सीखना होगा, प्रदर्शन जान जाएंगे तो बिंदु दर्शा लेंगे, बिंदु दर्शाने के बाद उनको मिलाएंगे तो चतुर्भुज बन जाएगा, चतुर्भुज बनने के बाद उसको दो त्रिभुज में बांट के उसका क्षेत्रफल निकाल दें, ठीक है। तो इसलिए पहले निर्देशांक समझना आवश्यक है, तब हम लोग पहुंच सकते हैं आगे जो हमको सिलेबस शुरू करना है। अभी इन सब से तुम्हारे पेपर में कुछ नहीं आने वाला है, लेकिन अगर ये नहीं जाने तो पेपर में तुमको भी कुछ नहीं आएगा, याद रखे रहना। चलो नोट कर लो, बाकी चीजें होंगी अपन, है नहीं, देख लो थोड़ी देर, देख लो उसके बाद चले जाओ।